हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे सुपरस्टार अजय देवगन के बारे में। बॉलीवुड में पिता बेटे और पिता बेटी के रिश्ते पर कई फिल्में बन चुकी हैं। बॉलीवुड फिल्म में जब कभी पिता का दमदार सिल्वर स्क्रीन पर आता है तो दर्शकों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, जो पिता के प्यार और त्याग को समर्पित है। चलिए जानते हैं कौन है वो अभिनेता। सुपरस्टार अजय देवगन की बात करें तो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म दे दे प्यार दे काफी धमाकेदार काम किया था और फिल्म हिट भी हुई। इस फिल्म में रकुल प्रीत और तब्बू नजर आए, जिसमें वो पिता के रोल में थे। और अब अजय देवगन SS राजामौली की फिल्म अभिनेता रामचरण के पिता के रोल में नजर आएंगे। फिल्म में आलिया भट्ट भी नजर आएंगी, जो कि रामचरण के साथ पहली बार रोमांस करेंगी। ये पहला बार होगा कि अजय देवगन एक हीरो के पिता के रोल में नजर आने वाले हैं। वो इससे पहले फिल्म टार्जन द वंडर कार में पिता की भूमिका में थे, लेकिन एक लीड एक्टर के पिता के तौर पर वो पहली बार नजर आएंगे। वहीं बात करें बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म दंगल में आमिर खान ने हानिकारक बापू का किरदार निभाया, जो अपनी बेटियों के लिए सब कुछ करता है। ये फिल्म रेसलर महावीर फोगाट और उनकी बेटियों की असली कहानी पर आधारित थी। अब बात करें बॉलीवुड की फिल्मों की सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिता प्रभावशाली किरदार निभाने में महारत हासिल रखते हैं। पिता के दमदार भूमिका वाली उनकी फिल्मों में रवि चोपड़ा निर्देशित बागवान खास तौर पर उल्लेखनीय है। इसके अलावा ऐसी भूमिका वाली उनकी फिल्मों में इंद्रजीत, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, कभी अलविदा ना कहना, सरकार, एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव, सरकार, वक्त, फैमिली शामिल है। बता दें कि बॉलीवुड में अगर माँ पर बनी फिल्मों में दर्शकों को दिल जीता है तो पिता के किरदार को भी उतनी ही सराहना मिली है। भले ही बॉलीवुड पर बनी फिल्मों की संख्या कम हो, लेकिन उसमें पिता के प्यार को भरपूर दिखाया गया है। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।